हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। मैं भी मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। स्वागत है मेरे नए ब्लॉग का और एक नई वीडियो में। तो गाइस, अभी शाम के बज रहे हैं 6:30 और हल्की फुल्की बूंदाबारी भी होने वाली थी बारिश की। वैसे भी आज अलर्ट कर रखा था ना बारिश के लिए, और कल भी शायद अलर्ट कर रखा है। तो आज तो हुई सुबह को बारिश और अभी भी थोड़ा बहुत बूंदाबारी होने बैठ गई है धीरे धीरे। और मैं जा रहा हूँ नारी साइड की तरफ, तो अभी वहाँ जा रहे हैं, थोड़ा घूमने चलते हैं। जैसे वो अभी तक हल्का फुल्की बोल, तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ नारी गांव थोड़ा ऐसे ही घूमने, क्योंकि घर पे बैठ के क्या करना था। मैं सोचा थोड़ा घूम के आते हैं और एक छोटा सा ब्लॉग बन जाएगा आपके लिए। तो एक स्टेशन हमारा गांव का यहाँ पे है, और क्योंकि यहाँ से नारी वाला जो रोड आता है ना, तो यहाँ से आता है कई लोग, यहाँ से घर जाने में ना नज़दीक लगता है। और जैसे कि हमें नीचे से नज़दीक लगता है, तो यहाँ पे यह है गांव, देख ही सकते होंगे आप, काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है इस टाइम। और ना ऊपर से दिखाऊँगा पूरा गाँव, पहले तो वीडियो में देख ही लिया होगा आपने, पहले भी देखा होगा कि गाँव कैसा है हमारा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, सौरभ जगवान आ रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ा फुल का ब्लॉग शूट करेंगे। और क्योंकि काफ़ी टाइम से ना ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, ब्लॉग इसलिए नहीं आते हैं गाइस, क्योंकि मैं जाता हूँ दुकान में और डेली का रूटीन दुकान का रहता है, तो डेली मैं एक ही ब्लॉग नहीं बना सकता, क्योंकि एक ही रूटीन का डेली ब्लॉग बनेगा तो अच्छा भी नहीं लगता है। और ऊपर से एक बात है कि मैं वीडियो बनाने की कोशिश बहुत करता हूँ, लेकिन उस पर व्यूज़ नहीं आते हैं। और सब्सक्राइबर तो आप लोग देख ही रहे होंगे मेरे चैनल में, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो भाई यार, जब वीडियो देख रहे हो तो ना सब्सक्राइब कर दो चैनल को, अरे क्या पता भला हो जाए किसी गरीब का। तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। और मुझे मिलता है 15 और 30 तारीख को छुट्टी, क्योंकि उस दिन मार्केट बंद रहता है, तिलवारा मार्केट, और उसी दिन थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाने का टाइम मिलता है, और एनी टाइम तो टाइम है ही नहीं, तो इसीलिए ब्लॉग कभी कभार आते हैं। और ये लगा लो 2 हफ्ते में एक ब्लॉग आता होगा मेरा। डेली का रूटीन चाहता हूँ मैं कि डेली का ब्लॉग बने, लेकिन टाइम भी होना चाहिए उसके लिए, और आदमी रहता है बिजी, तो भाई इसीलिए नहीं बन पाता है। तो सौरभ जगवान आ चुका है, तो भाई प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, इतनी मेहनत करता हूँ यार, मतलब दिन में सोना था, छुट्टी थी, रेस्ट करना था, लेकिन नहीं, आपके लिए ब्लॉग बनाने के लिए इधर उधर भटक रहा हूँ मैं। तो मैंने भी रेस्ट करना था, जब 15 तारीख छुट्टी होती है तो रेस्ट करने का मन करता है, लेकिन क्या करें, ब्लॉग तो ऐसा बनाना पड़ता है। और रूटीन ब्लॉग में ये है कि जो मुझे अच्छा लगता है ना, मैं वो ब्लॉग बनाता हूँ, मुझे इस चीज़ से कोई वो नहीं है कि ये क्या है कैसा है, जहाँ पे मन करे वहाँ ब्लॉग बना देता हूँ, जैसा भी हो, चाहे कुछ भी हो कार्य गाँव में, कोई भी कार्य। क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल इसीलिए है कि पहाड़ी लाइफस्टाइल, पहाड़ी कल्चर्स की, पहाड़ों में क्या क्या होता है सारी चीज़ दिखाना, मेरा एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पर सौरभ सिंह अपना चेहरा देख रहा है मेरी बुलेट पर। तो गाइस, मैंने अभी ये बुलेट अभी ली है, इससे पहले मेरे पास आपने ब्लॉग में देखी होगी, मेरे पास 220 थी, और उससे पहले स्कूटी थी। तो ये मेरी तीसरी गाड़ी है, रॉयल एनफील्ड इलेक्ट्रा है ये, तो ये मैंने तिलवाड़ा से ही ली थी, काफ़ी बढ़िया है। और हमारे साथ देखो डाकू सिंह, डाकू। तो चलते हैं धीरे धीरे, और जहाँ पे मौका मिलेगा वहाँ पे वीडियो बनाएंगे। सो गाइज, अभी हम हैं चोपता से पीछे, दुर्गाधार से पीछे, और हम ऐसी जगह पर रखे हैं, यहाँ की वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी लेकिन यूट्यूब पर नहीं डाला था। तो अभी हम यहाँ पर रखें, और रोड उधर है, और मैं गाड़ी लाया इधर, क्योंकि मैंने कहा थोड़ा अच्छी जगह पे चलते हैं, और थोड़ा यहाँ पे आए, अच्छा लग रहा है यहाँ पे, टॉप की जगह है, मस्त जगह। और यहाँ देख सकते हो रोड वहाँ है, और यहाँ से गाड़ी लेके यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे बैठते हैं थोड़ा, और उसके बाद देखते हैं आगे जाने का प्लान बनता है। अगले जाना है यहाँ, देखो यहाँ पूजा ही होती है, यहाँ पता नहीं क्या पूजा जाते हैं, यहाँ मसान। और यहाँ देखो मुर्गे के पंख पड़े हुए हैं यहाँ पे, तो थोड़ा यहाँ पर बैठते हैं और उसके बाद चलेंगे, थोड़ा वीडियो बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो अगर आप मेरे साथ यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है राज जगवान, और फॉलो करें, ठीक है। और रील देखने के लिए भयंकर धमाकेदार वाले रील, तो वहाँ पे देख सकते हो रील्स, ये बिल्कुल एटीट्यूड वाले रील्स। तो अभी सौरभ सिंह यहाँ पे बुलेट उठा रहा है, तो देखते हैं बुलेट स्टार्ट कर, चल।
करना कुछ नहीं बन रहा है, चाय बोन करते क्लस दबो पे खाले क्लस दबो रे कहीं जनगढ़ क्लस दबो पूर्द विराग सैलो मार बटन ऑन कर पहले। अब कहीं जनगढ़ यार बटन तो ऑन कर बटन बस सैलो मार क्लस दबो कहीं भाग गाड़ी क्लस ना छोड़े मत बस। हाँ अब एक्सीलेटर दे जरा तो एक्सीलेटर सुना दे आपको बस। हल्की फुल्की फोटो शूट हो चुकी है और ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बनेगा, छोटा सा ब्लॉग बनेगा। अभी यहाँ पे हमने थोड़ा रील्स बनाई इंस्टाग्राम पे, काफ़ी बढ़िया बढ़िया रील्स बनाई और अब चलते हैं नीचे की तरफ। तो अब इसके बाद कैमरामैन रहेंगे सौरभ जगवान और देखते हैं जहाँ पर रुकेंगे क्या करते हैं। अभी 50 रुपये ला रखे हमने, शायद कुछ खाने का मन करेंगे तो कुछ खाएंगे। ठीक है आए देखो 50 का नोट ला रखा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, गरीब आदमी है यार, पैसे कहाँ से आएंगे हमारे पास ना, यहाँ पर लड़के तेल भरने के लिए पैसे नहीं है। तो चलो मिलते हैं नारी में। ये तो यहाँ पे अभी सूरज भाई बनाएगा हमारी स्विमिंग और यहाँ पे देखो पुदीना लगा रखा है इसने, बहुत बढ़िया पुदीना काफ़ी होना वाला था। और यहाँ देखो अभी हमें नारी गाँव में, ठीक है यहाँ देखो तो नारी गाँव का झू भाई स्विमिंग बढ़ने बढ़ने में बुल सक बना। और ये हमारे सब्सक्राइबर है हमसे मिले अभी और काफ़ी तो यहाँ पे चाउमिंग खाने का मजा कुछ अलग ही हो रहा है, खाली गोभी गोभी डाले के भाई ने और तो दिखाने भी नहीं पा। यहाँ से देख सकते हैं हमारे गांव का कुछ ऐसा सा व्यू आता है क्योंकि अब रात होने वाली है, धीरे धीरे अंधेरा होने बैठ गया। और यह है गांव, यहाँ देख सकते हो ये है हमारा गांव भैंस गांव। कुछ जैसा कि चार परिवार वहाँ रहते हैं और चार पांच परिवार यहाँ रहते हैं, दो तीन परिवार यहाँ रहते हैं और बाकी सब यहाँ से यहाँ पूरा गाँव। तो ये देख सकते हो यहाँ से अभी हम गाँव के टॉप धार में हैं, तो गाँव के टॉप धार में है और थोड़ा यहाँ पर बैठते हैं और इसके बाद चलते हैं। अंधेरा भी हो चुका है, ये ब्लॉग थोड़ा बहुत ऐसा ही बना नॉर्मली से। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय और गुड नाइट, टेक केयर, बाय, सी यू, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग। ठीक है तो वीडियो कैसे लगी लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। हमारे साथ सौरभ चकवान काफ़ी होनहार लड़का था जो कि आज बहुत ही सुंदर सुंदर था सुंदर। तो चलो फिर गाड़ी।